नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर त्यागी और आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है लग्जरी रियल्टी ऐप। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक पीर मुशल्ला ढकोली या फिर कह लीजिए एडजॉइनिंग सेक्टर 20 के एक कंसेप्ट पे लेके आया हूँ। ये हाई राइज कंसेप्ट रहेगा, प्रीमियम कंसेप्ट रहेगा, लग्जरी कंसेप्ट रहेगा बेसिकली। अगर जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, सॉरी प्रोजेक्ट से पहले मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन की जो कनेक्टिविटीज़ हैं आपकी, कालका शिमला हाईवे को तो कनेक्ट कर ही रहा है, ढकोली पीर मुशल्ला से ओल्ड कालका हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। बैक साइड पे इसके बिल्कुल तकरीबन थोड़े से डिस्टेंस पे, तकरीबन 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे आपकी PR7 रिंग रोड से भी इसमें कनेक्टिविटी आएगी और लोकेशन ऐसी है कि आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इसे। अब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा आप देख सकते हैं ये 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस साइड को अगर जो आप दिखाए 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 9 एकड़ के अंदर हम बना रहे हैं 472 यूनिट। इसमें आपको दोनों ही कंसेप्ट मिल जाएंगे, चाहे आप रेडी टू मूव लेना चाहें तो रेडी टू मूव ले लीजिए, अगर जो आपके कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ एक्स्ट्रा चॉइसेस हैं और चॉइस के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो हमारा 1 साल के अंदर अंदर पोजेशन है। बेसिकली हमारा टावर रेडी हो चुके हैं और पोजेशन हम इसकी आपको नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई तक इसकी प्रोवाइड कर देंगे। पार्क जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ग्रीन एरिया देख रहे हैं, फैमिलीज ऑलरेडी बैठी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं इसमें। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। इसमें बेसिकली क्या है, गजीबो, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह हमने सारा उस साइड बनाया हुआ है। उस साइड आप देख सकते हैं ग्रीन पैच का बहुत ध्यान रखा गया है कि यू शेप में आपके टावर्स रहेंगे और बीच में आपका ग्रीन पैच रहेगा, मतलब जितने भी फ्लैट्स रहेंगे वो ज्यादातर आपके पार्क फेसिंग फ्लैट रहेंगे। वॉकिंग ट्रैक दे रखा है इसमें। अगर जो मैं पार्किंग की बात करूँ तो पार्किंग 472 यूनिट के अगेंस्ट तकरीबन 750 पार्किंग आ रही है हमारी, जिसमें आप देख सकते हैं हमारी एक तो शेड पार्किंग आ गई है, एक आपको स्ट्रिल्ट की पार्किंग देंगे डेडिकेटली, हर पार्किंग आपको नंबर वाइज होगी। अब प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वो फ्लैट हमारा है 1611 स्क्वायर फीट का। 1611 स्क्वायर फीट के व्यू पे मैं आपको लेके चलूंगा। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा क्लब हाउस प्रॉपर रेडी है, स्विमिंग पूल रेडी है, क्लब हाउस के नीचे हम आपको कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर जिमनेजियम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडोर गेम्स कर रहे हैं और इसके टॉप फ्लोर पे आपका एक रेस्टोरेंट या कैफे टाइप आप कह सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रोजेक्ट की डिटेल्स, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सैंपल के अंदर, एक बार हम सैंपल का भी व्यू देखते हैं। आइए तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट के टूर पे। स्टार्टिंग पे जो आप डोर देख रहे हैं हमारा 8 फीट वाइड डोर है और ये टाटा का प्रोडक्ट है पूरा का पूरा। आइए दोस्तों एक बार अंदर चले हम। तो अंदर जैसे ही आप आते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको बड़ी एक लग्जरी फीलिंग आने वाली है इसमें। अगर जो ये देखें तो ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है बेसिकली, और दोनों के दोनों एरिया हमने सेपरेट किए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको लेके चल रहा हूँ ड्राइंग एरिया की तरफ। ड्राइंग एरिया का जो हमारा साइज है ये 10x20 का साइज रहेगा और इसके अंदर जो अभी हमारा 7 सीटर सोफा लगा हुआ है आप देख सकते हैं, 7 सीटिंग पर्सन बहुत ईजिली यहाँ हो जाएगी आपकी, जिसके साथ हमने साथ के साथ आपको विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है। ये UPVC रहेगा, साउंड प्रूफ रहेगा आपका बेसिकली। इसी के साथ अगर जो हम बालकनी में आ जाएं तो ये 6x22 की रहेगी, जिसके अंदर आप चौड़ाई भी देख सकते हैं और लंबाई भी, बहुत इजीली सीटिंग कर सकते हैं आप कि टी कॉफी वगैरह बहुत आराम से इंजॉय करें, चाहे आप ड्राइंग एरिया में करिए चाहे अपना बालकनी में करिए। अब इसी के साथ साथ मैं आपको डाइनिंग एरिया के अंदर लेके चल रहा हूँ। डाइनिंग एरिया के अंदर अभी 6 पर्सन की सीटिंग आप देख रहे हैं, ये 8x10 का साइज रहेगा इसका बेसिकली। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ प्लेन वॉल्स रहेंगी, प्लेन रूफ रहेगी, इसके अंदर हम आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिंपली रॉ फ्लैट आपको मिलेगा। किचन की तरफ अगर जो हम आ रहे हैं, मैं आपको किचन बताता हूँ। किचन अप्रोक्स हमारा 8x8 का साइज रहेगा, 5x8 का साइज रहेगा सॉरी, और इसमें जो आप देख रहे हैं सिर्फ हम आपको चिमनी प्रोवाइड कर रहे हैं और माइक्रोवेव अगर जो आप रखते हैं या उसका आपको एक अलग सेक्शन प्रोवाइड करें। यूटेंसिल्स के लिए हम आपको सॉफ्ट टच क्लोजर के यूनिट्स दे रहे हैं, ये हेटिक्स के रहेंगे सारे के सारे। डबल वॉश बेसिन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ इसी के साथ बालकनी आ रही है आपकी। बालकनी के अंदर फिर से हम उसी बालकनी के साथ अटैच हो रहे हैं दोस्तों जो हम ड्राइंग एरिया के साथ हम कनेक्ट हुए थे। अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम के अंदर अगर जो हम आए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका साइज आपका अप्रोक्स 11x15 का साइज रहेगा। वुडन फ्लोरिंग इसके अंदर रहेगी, आपकी स्लाइडिंग आपके कबर्ड्स रहेंगे, ये डबल कबर्ड्स रहेंगे बेसिकली आपके, बिकॉज ये आपका मास्टर बेडरूम है।
6x6 का साइज बेड का आप यूज करने के बाद भी बहुत इजीली सर्कुलेशन एरिया है, साइज बहुत अच्छा है दोस्तों, 11x15 का साइज है। इसी के साथ साथ वॉशरूम, वॉशरूम आप देख रहे हैं जैगवार की फिटिंग्स के साथ आपको मिल रहा है, और जो चीज अभी आप देख रहे हैं सेम एज इट इज रहेगा, टाइल्स इसमें भी आपकी बॉटम टू टॉप तक रहेगी। काफी अच्छा साइज है, रूम साइजेस काफी अच्छे हैं, बालकनी साइजेस काफी अच्छे हैं, एक लग्जरी फीलिंग वाला कंसेप्ट है। सेकंड बेडरूम के साथ आते हैं, सेकंड बेडरूम के साथ आपको ड्राइंग और डाइनिंग के साथ वॉशरूम कनेक्ट कर रहा है। सेकंड बेडरूम के साथ कोई गेस्ट आए तो वो आपके रूम में ना जाए, आपको बाहर से बाहर वॉशरूम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने आपको वेंटिलेशन के लिए एक छोटी बालकनी प्रोवाइड करी है। इसमें आप चाहे तो इस बेसिकली बालकनी को, अगर जो आप इसे बालकनी की तरह यूज नहीं कर सकते, तो आप इसे शेड लगा के स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ऑलरेडी हमने एक उस साइड पे विंडो भी आपको प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ आपके कबर्ड सेकंड, इसमें सिंगल कबर्ड रहेंगे आपके बेसिकली। आइए थर्ड बेडरूम में हम चल रहे हैं। थर्ड बेडरूम आपका 11x13 का साइज रहेगा ये। इसके अंदर स्टार्टिंग में आप फिर से देख सकते हैं कि सर्कुलेशन एरिया कितना, रूम साइजेस बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। फिर से आपका कबर्ड का बॉटम टू टॉप तक रहेगा। इसी के साथ साथ वॉशरूम का आपका एरिया अलग रहेगा। इसमें जो टाइल्स आप एक्चुअल देख रहे हैं, फ्लोरिंग के टाइल देख रहे हैं, विट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी, वॉल टाइल्स बॉटम टू टॉप तक रहेंगी आपकी, और इसी के साथ साथ एक बालकनी और प्रोवाइड हो रही है आपको। तो दोस्तों ये था हमारा एक प्रीमियम कंसेप्ट का टूर, 3 BHK का टूर, 1611 स्क्वायर फीट का टूर, जो इसका प्राइस स्टार्ट होता है वो 6690 से स्टार्ट होता है। अगर जो आप इस बजट में अपना फ्लैट प्लान कर रहे हैं, अपना घर प्लान कर रहे हैं, तो जून जुलाई में इसकी आपको पोजीशन मिलेगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी इंक्वायरी, और दिए हुए नंबर पर प्लीज कॉल करिए, और मेरा चैनल हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।